जीएसटी में सरलीकरण करने और जटिलताओं को कम करने का काम किया जाए ताकि व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। इसी के चलते हमीरपुर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने प्रधान अनिल सोनी की अगुवाई में डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है। जीएसटी में संशोधन करने के लिए सरकार ने वायदा किया था, लेकिन अभी तक सरलीकरण के लिए काम नहीं होने से व्यापारी वर्ग में रोष है और देशव्यापी आह्वान पर हर जिला मुख्यालय पर डीसी के माध्यम से सरकार को आज व्यापार मंडल ने ज्ञापन भेजे हैं। व्यापार मंडल प्रधान अनिल सोनी ने कहा कि जीएसटी में खामियों को दूर करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। इसी के चलते व्यापार मंडल ने सरकार को डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द जीएसटी में संशोधन करके सरलीकरण किया जाए ताकि व्यापारी वर्ग को पेश आ रही समस्याओं से राहत मिल सके। डीसी महोदय को हमने आज मेमोरेंडम दिया जिसमें ये जो हमारा जीएसटी है इसमें बहुत सारे संशोधन इस वक्त तक हो चुके हैं, तो हम ये चाह रहे हैं, सरकार से मांग है हमारी इस मेमोरेंडम के थ्रू कि हमारा जो ये जीएसटी है इसका, जैसे सरकार ने प्रॉमिस किया था कि इसका सरलीकरण किया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी उसमें सरलीकरण नहीं हो पाया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इसकी जटिलताओं को कम करके हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे जितने भी हमारे रोज़गार करने वाले लोग हैं जिनका जीएसटी नंबर है, तो उनको ये चीज़ें जो है वो सरल तरीके से लोगों को मिले, तो ये हमारी सरकार से डिमांड है। गाइडेंस ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल लगातार जीएसटी के कानूनों में अप्रोच करता आया है, तो जीएसटी के कई बार बदलाव हो गए हैं जिनमें अब इतना जटिल कर दिया जीएसटी कानून को कि व्यापारियों को अपना धंधा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके सरलीकरण के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल व्यापार मंडलों के, स्टेट के व्यापार मंडलों के माध्यम से डीसी साहब जी को एक व्यवस्थापक या इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये डीसी साहब भेजेंगे, जिससे वो हमारे जो अनुरोध है उसके ऊपर गौर करके कुछ समस्या को जो जीएसटी में जटिल कानून है उनको सॉल्व करने के लिए हमारी मांग है, जिसको प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। सर आपका नाम? अमरचंद शर्मा, स्टेट इंचार्ज ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल।